देसी छौका देसी स्वाद सबसे बाअलगे अंदाज ये है देसी तड़का बिम घर का तड़का। नमस्कार आदाब गोर लगातानी महुआ देखे वाला तमाम दर्शकन के बहुत बहुत स्वागत बा। हम अभिलाषा एक बार फिर से हाजिर बानी लेके विम घर का तड़का। खान पान के शौकीन लोगन पर नया स्वाद के रंग चढ़ावे और नया व्यंजन से परिचय करावे खातिर आज हम आगल बानी जमशेदपुर। और हमरा साथ पड़ी जमशेदपुर भुइया डी नीति बाग कॉलोनी के चैताली सिंह जी। चैताली जी बहुत बहुत स्वागत बा विम घर का तड़का में। आपको भी हमारे घर में स्वागत है आने का। आई जानल जाओ चैताली जी से कि आज ऐसा ही का बना रहल बाड़ी। चैताली जी बताई कि आज हाथ के जादू चली का कुछ पकाई ब्रुआ। हम बंदा गोभी के मच्छी के मोड़े से बंदा गोभी बना रहे हैं, बंदा गोभी के सब्जी और शकरकंद के गुलाब जामुन बनाएंगे। मछली के मूड़ा दे के बंद गोभी के सब्जी और शकरकंद के गुलाब जामुन। तो चलिए हमने के एकदम एक्साइटेड बानी दोनों व्यंजन के बनावल सीखे के। बाकी रोसे पहले हमेशा की तरह कैल जाए थोड़ा सा ताक झांक, अपन गृहिणी के घर गृहस्थी देखल जाए और साथे देखल जाए किचन। चैताली जी चली चली आई आइए अभिलाषा मेरे घर जैसा मंदिर में आपका स्वागत है। वाह चैताली जी राउर घर बहुत सुंदर बा, इंटीरियर बहुत बढ़िया और जो छोट छोट शोपीस राउर घर में हमरा के लौका था एकदम अपने आप में सब यूनिक बा। मेरे दिमाग में हमेशा घर के बारे में ही सोचते रहती हूँ कि घर को कितना अच्छा सुंदर सजाया जाए। हाँ कैसा कलर दिया जाए कैसा उसमें सब घर के बारे में जितना ज़्यादा दूसरे चीज़ के बारे में नहीं करते, पहले घर को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ। उसके बाद जाके खाना उन्हें सब बनाते हैं। बहुत बढ़िया तो, ये तो एगो अच्छा गृहिणी के एगो सुघड़ गृहिणी के पहचान है कि घर के प्रायोरिटी एगो गृहिणी दे ली हमेशा और फिर खान पान के ख्याल तो रखे के बाही। और वो में भी चैताली जी परफेक्ट जरूर हुई हैं हमारा पूरा विश्वास बा। बाकी एकरा के चेक कर जाए इनकर किचन में जाके। तो चली राउर किचन में चली। आई आपका स्वागत बा हमारे किचन में। आइए अभिलाषा ये मेरा किचन है। वाह बहुत सुंदर एकदम रेड क्रीम के कंट्रास्ट में बहुत ही कलरफुल किचन, मतलब एनर्जी से भरल। और खाना बनावे के जितना भी सामान होला वो एकदम सामने ही सुविधा के अनुसार। देखिए एवरेस्ट के कश्मीरी लाल, एवरेस्ट के चाट मसाला और एवरेस्ट के ही ब्लैक पेपर। बहुत बढ़िया। और फल फलहरी के साथ सेहत बनावे खातिर नींबू, कहे कि नींबू में वो गुण बा कि सिर्फ सेहत ही ना बढ़िया रखेला बल्कि साफ सफाई में भी एकदम बेस्ट बा। कहे कि नींबू हटावे सबसे तेज चिकनाई। यह तब विम के कमाल बा, जब थोड़ा देर पहले हम आए रहनी तो किचन एकदम बिखरल पड़ल रहे और बर्तन एकदम गंदा रहे। बाकी बस 5 मिनट और 5 मिनट में देखी कैसन कायाकल्प बदल गयल किचन के और बर्तन के भी। चैताली जी अभिलाषा अब आ गई। हम तो आ गए नहीं बाकेरी का रुआ, अभी तक बर्तन साफ कर रहल बानी और सब कुछ बिखरल पड़ल बा। बस 5 मिनट, 5 मिनट में सब बर्तन हो जाए साफ, हम भी तैयार हो जाए। विम की कमाल बा कि 5 मिनट में बर्तन साफ हो जाए। तो चलिए चैताली जी फटाफटी बर्तन के साफ कर ली और तैयार हो जाए। चलिए हमने के राउर किचन देख लेनी और बहुत अच्छा लागल, बहुत ही सिस्टमेटिक बानी रुआ और जैसन ड्राॅइंग रूम उसने किचन भी दिखल बहुत बढ़िया। बाकी रिहे कमाल दिखावे के बाद हमने के किचन यानी के विम घर का तड़का के किचन में। तो तैयार बानी रहो? बिल्कुल तैयार बनी। चली आ गई नी जा विम घर का तड़का के किचन में और हमने के साथ बारी आज के हमने के शेफ, हमने के कुक और बहुत सुघड़ गृहिणी चैताली सिंह जी। चैताली जी बहुत बहुत स्वागत बा हमने के किचन में। बताई कैसन लागल? बहुत अच्छा किचन। तो चली इनका से कुछ सीखल जाए और शुरुआत कर जाए पहला सेगमेंट यानी के देसी छौका के साथ। देसी छौका में रवा का बना रहल बानी?
मछली के मोड़े से बंदा गोभी आलू मटर की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए एकदम देर न करके कॉपी पेन लेके लिखी कि मछली के मोड़ा दे के बंद गोभी आलू मटर की सब्जी कैसे बनी। लिखी काका सामग्री की जरूरत पड़ी बताएं। सबसे पहले तो मछली के मोड़े की जरूरत पड़ते हैं, उसके बाद बंद गोभी, आलू, टमाटर और तेज पत्ता, हरी मिर्च, प्याज, मटर, अदरक के पेस्ट, लहसुन के पेस्ट, तेल, नमक, जीरा पाउडर, एवरेस्ट का धनिया पाउडर यहाँ रखा है मैंने, सुविधा के लिए यहाँ रखती हूँ, एवरेस्ट का गरम मसाला, एवरेस्ट का हल्दी पाउडर। तो दर्शक लोग नोट कर लेने नहीं? तो चलिए अब सीखा जाओ कि कैसे बने लाई वेज नॉन वेज के फ्यूजन मछली वाला स्वाद और साथ में सेहत भरा सब्जी भी। सबसे पहले हल्दी डालेंगे, एवरेस्ट हल्दी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। एक चम्मच नमक डालेंगे, इसके बाद गैस ऑन करेंगे। सबसे पहले हम तेल डालेंगे, इतना में मूड़ा आराम से छन जाए। इसके बाद हम हल्दी नमक मिलाए हैं, इसमें पूरा मिलाएंगे। जब मूड़ा के भुनल जाला तो काफी चटकेला, तो ढक के इकरा के अगला सा 5 मिनट हो गया है, अब थोड़ा देख लिया जाए। क्या महक, एकदम करारा फ्राई हो गए। अभिलाषा ये अब तैयार हो गया है, हम इसको प्लेट में निकालेंगे। जी अभी छन के तैयार बा। अब हम सबसे पहले जीरा लेंगे, तेज पत्ता, हरी मिर्च को सिर्फ तोड़ के डालेंगे। अब हम इसमें प्याज का छौंका लगाएंगे। ये कितना प्याज बा? दो प्याज। प्याज हल्का फ्राई होने के बाद आलू को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम अदरक का पेस्ट लेते हैं, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच डालेंगे। अब हम एवरेस्ट का धनिया पाउडर डाल रहे हैं, एवरेस्ट धनिया पाउडर, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब हम इसमें मिर्चा पाउडर डालेंगे, हम एवरेस्ट का हल्दी डालेंगे, एवरेस्ट हल्दी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब मटर लेंगे, 100 ग्राम मटर डालेंगे, 1 कटोरी मतलब 100 ग्राम मटर। अभिलाषा थोड़ा टमाटर मेरे को दे दीजिए, ये 2 टमाटर है, तो बड़े टमाटर हैं, 150 ग्राम टमाटर। अभी तक के प्रिपरेशन पूरा सब्जी के बाद, आखिर हम पहले ही कह दी कि ये फ्यूजन बा वेज और नॉन वेज के, काहे कि रोज जाने ला कि बिहार में प्याज ना पड़ेला मछली में, बाकी यहाँ पर काहे कि सब्जी के साथ एकर मेल हो रहा बा तब प्याज डालल गेल बा। अब ये हल्का भुना गया है, अब नमक डालेंगे। अब पानी डाल दे तो थोड़ा और पक जाए, पानी थोड़ा दीजिए, अभी ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं क्योंकि पत्ता गोभी से भी पानी छोड़ेगा। अच्छा, एकदम थोड़ा सा पानी। हाँ, बस थोड़ा सा पत्ता गोभी से भी पानी छोड़ेगा। अभिलाषा अब हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे। अच्छा, कितना पत्ता गोभी भाई, कुछ अंदाज से बताएं। एक पत्ता गोभी। वाह, एकदम स्पाइसी आलू मटर में पत्ता गोभी सेहत से परिपूर्ण इमें डलल बा, और जब इमें मछली मिल जाए तो सोचिए कितना अलग तरह के स्वाद मिली। पत्ता गोभी हम इसमें अब डाल दिए हैं, अब ढक के आँच को तेज कर देंगे ताकि पत्ता गोभी जल्दी से पके और पानी छोड़े, और इस सब जो बा पानी छोड़े के बाद एकदम से मिल जाए और एक सब्जी तैयार हो जाए। तो अभी लगभग तैयार हो गए बा, का चेक कर सके नहीं हमने के? चलिए चेक कर। अरे वाह, वाकई में बंद गोभी जो बा खूब पानी छोड़ ले बा, और ऐसे एकदम लटपट आलू मटर तैयार। अब हम इसमें अब मछली डालें, मछली का मोड़ा डालें। झारखंड में भी मछली बहुत अलग अलग अंदाज से खाई जा रहा, और ये अंदाज तो सबसे जुदा बा। अब हम इसमें एवरेस्ट का गरम मसाला थोड़ा डालेंगे। क्या महक, एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। हल्का सा पानी पड़ेगा, इसके बाद ढक देंगे,
5 मिनट में ही पूरा तरह से पक के तैयार हो जाए। बहुत आसान रहे इसका प्रिपरेशन, बस पहले से थोड़ा तैयारी करे के बाद रवा के, और मछली घर में फ्राई हो लाई तो मूड़ा के अलग रख ली और सब्जी के साथ एकरा के बनाई तका सोच रहल बानी। एकरा के अपन डाइट में शामिल करी, जरूर बनाई ढेर सारा सब्जी के साथ। और अब ये पक के तैयार बा चैताली जी, महक हमरा के बता रहल बा कि एकदम गरम मसाला के साथ बहुत बढ़िया महक। और ये देखी अब ये मेरा सब्जी बन गया है। अब हम इसको बॉल में डाल लेते हैं। अब ये तैयार है। तैयार बा गर्मा गर्म मछली के मूड़ा देके बंद गोभी आलू मटर के सब्जी। तो सोच कर रहल बानी जल्दी जल्दी बनाई एकरा के और फिर से देखी कि कैसे ही बनेला और एमे काका पड़ेला। देखी मछली के मूड़ा और बंद गोभी के सब्जी बनावे की विधि। सबसे पहले बॉल में रखल मछली में 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डाली। तेल गरम होला पर मछली के छान के निकाल ली। ओकरा बाद पैन में 1 चम्मच जीरा, तेज पत्ता, हरी मिर्चा के तोड़ के डाल दी। अब ओमे 2 काटल प्याज डाल के थोड़ी देर भुनला पे ओमे काटल आलू, 2 चम्मच अदरक पेस्ट, 2 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी डाली। फिर 100 ग्राम मटर डाल के मिलावे के बाद ओमे 2 काटल टमाटर डाल के हल्का भून ली। फिर नमक, थोड़ा पानी और 1 बारीक काटल पत्ता गोभी डाल के थोड़ी देर खातिर पैन ढक दी और आंच तेज कर दी। गोभी गले पर उमे मछली, गरम मसाला और हल्का पानी डाल के 5 मिनट खातिर ढक दी और फिर एगो बाउल में निकाल के सर्व करी। जमशेदपुर के चैताली जी के हाथ के जादू खूब चल रहल बा और हमरा पूरा उम्मीद बा कि आगे हमनी के अगला सेगमेंट किचन क्वीन के पसंद में भी कुछ ऐसने अनोखा बनी। का चैताली जी का बना रहल बानी रुआ? तो शकरकंद का गुलाब जामुन। तो स्वीट स्वीट चैताली जी बने हैं स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद के गुलाब जामुन। तो दिल थाम के बैठी हमनी के फौरन हाजिर हो रहल बानी एगो छोट सा ब्रेक के बाद। देखत रही विम घर का तड़का। देसी तड़का विम घर का तड़का।